हाय गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th क्लास का एक लेसन, लेसन नंबर 8 सिल्क रोड, जो कि हॉर्नबिल्स का एक इम्पोर्टेंट लेसन है जिसे निक मिडिल्टन ने लिखा है। सिल्क रोड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में पाए जाने वाला एक कॉरिडोर था जो चाइना और तिब्बत से होता हुआ फिर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाया करता था और वहां से सिल्क का व्यापार हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम सिल्क रोड पड़ा। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके राइटर जो हैं, उन राइटर का नाम है निक मिडिल्टन। निक मिडिल्टन एक ज्योग्राफी के अमेरिकन प्रोफेसर हैं जो वहां पर उस सिल्क रोड को विजिट करने गए हैं, और सिल्क रोड को विजिट करने के पीछे उनका एक पर्पस है। वहां एक माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश जो कि मानसरोवर झील के बिल्कुल पास में है, और माउंट कैलाश के आसपास की एक रिलीजियस रिचुअल होता है, उसकी परिक्रमा करने को एक रिलीजियस रिचुअल यानी कोरा कहा जाता है। उस कोरा को ही कंप्लीट करने के लिए वो वहां पर निक मिडिल्टन गए हैं। तो वो अपनी यात्रा का जो वृतांत है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो किस परिस्थिति में उन्होंने यात्रा शुरू की वो देखते हैं। अ फ्लॉलेस हाफ मून, यानी फ्लॉलेस मीन्स बिना किसी स्पॉट के एक हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई। स्काई वाज परफेक्ट ब्लू और उसमें बिल्कुल साफ सुथरा मून दिखाई दे रहा था, आधा मून था। ऑन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम था ये, वी सेड आवर गुड बायस, उन्होंने अपने साथ वाले लोगों के साथ में गुड बाय कहा। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स ग्लोड पिंक एज द सन इमर्स टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद ए रोज टिंटेड ब्लश। यानी कहने का मतलब है क्लाउड्स की लंबाई ज्यादा थी और क्लाउड्स में पिंक कलर और माउंटेन टॉप्स के ऊपर रोज टिंटेड ब्लश यानी रोज टिंटेड कलर दिखाई दे रहा था, ये सब उगते हुए सूर्य के कारण था। नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, अब वो लोग रावू को छोड़कर जा रहे थे। रावू एक जगह का नाम है। लहामो सेड शी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। लहामो जो है यहाँ पर एक शेफर्ड का नाम है, एक फीमेल शेफर्ड है। वो राइटर को, निक मिडिल्टन को कुछ फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी। One evening I had told her through Daniel, क्योंकि एक दिन एक शाम को उन्होंने, जो राइटर थे उन्होंने डैनियल के थ्रू या डैनियल के जरिए उसे बताया था लहामो को, that I was heading towards Mount Kailash, कि वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं टू कम्प्लीट द कोरा, कोरा को कम्प्लीट करने के लिए। एंड शी हैड सेड, और उसने कहा था, दैट आई ought टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, कि मुझे कुछ गर्म कपड़े ले लेने चाहिए। After ducking back into her tent, अपने टेंट में घुसने के बाद में she emerged, वो वापस दोबारा आई, carrying one of the long sleeved sheep skin coats, और अपने साथ में एक लंबा सा लंबी बाहों वाला sheep skin coat लेकर आई, that all the men wore, जो वहां के आदमी पहनते थे। Saturn sized me up as we clambered into his car, और पहनने के बाद में सेटन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, ए यस ही डिक्लेयर्ड, ड्रोगबा सर, यानी आप बिल्कुल एक शेफर्ड की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, उसने मुझे कहा। सेटन यहाँ पर एक शेफर्ड का नाम है जो ड्राइविंग का भी काम करता है, और ये राइटर को ऊपर माउंट कैलाश की तरफ लेकर जाएगा। वी टुक अ शॉर्टकट, राइटर और सेटन ने एक शॉर्टकट लिया कार में टू गेट ऑफ द चैंगटेंग, और शेंगटेंग नाम की जगह की तरफ रवाना हो गए। सेटन न्यू ए रूट, सेटन को एक रास्ता पता था, दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो हमें साउथ वेस्ट की तरफ लेकर जाएगा, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, बिल्कुल माउंट कैलाश की तरफ। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, और यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको कई माउंटेन पासेस को क्रॉस करना पड़ता है, ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ही अश्योर्ड अस, उसने हमें अश्योरेंस दिया, इफ देयर इज नो स्नो, अगर कोई भी बर्फ नहीं गिरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, तो मैंने उससे पूछा बर्फ गिरने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो उसने कहा, नॉट नोइंग सर, नहीं पता सर, अंटिल वी गेट देयर, जब तक कि हम वहां पहुंच ना जाए। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, यानी रावू से नीचे उतरते समय, द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, वो शॉर्टकट हमें बड़े बड़े मैदानों में ले गया, विद नथिंग इन देम, जहां कुछ भी नहीं बचा था, एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स, केवल कुछ तेंदुए यानी कुछ हिरण, गैजल्स का मतलब होता है हिरण, घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, दैट वुड लुक अस फ्रॉम निबलिंग, जो हमें निबलिंग करते हुए यानी घास खाते हुए एक दो बार हमें हमारी तरफ देखते थे। द एरिड पास्चर्स, और ये पूरा का पूरा जो सूखा चरागाह था, पास्चर कहते हैं चरागाह को, यानी घास का जो गार्डन है वहां से हमें देखते थे। एंड फ्राउन, और हमारी तरफ गुस्से से देखते, बिफोर बाउंडिंग अवे इन टू द वॉइड, और फिर जाकर वाइड में जाकर छिप जाते हैं। वाइड कहते हैं दो माउंटेन्स का जो मीटिंग प्लेस होता है, जो घाटी बनकर रह जाता है, वहां जाकर छिप जाते हैं। फर्दर ऑन, फिर आगे, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी,
आगे जो है प्लेन्स में, यानी अब वो प्लेन्स प्लेन्स नहीं रहे, अब स्टोनी बन गए, ग्रासी नहीं रहे, स्टोनी हो गए यानी पत्थर ही पत्थर नजर आने लग गए। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, और फिर वहीं पर जंगली गधों का एक झुंड सामने आया। सैटर्न टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपियर्ड, और सैटर्न ने हमें बताया कि हम उनका लंबे समय से उनके साथ साथ चल रहे हैं। उसने बताया उनका नाम है क्यांग, उसने कहा पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, दूर एक धूल का गुब्बारा बना हुआ था, वो धूल का गुब्बारा इन जानवरों के चलने के कारण बना था। व्हेन वी ड्रू नियर, जब हम पास पहुंचे, आई कुड सी द हर्ड, मैं उस झुंड को देख सकता था, गैलोपिंग एन मास, बिल्कुल सामने की तरफ जो है चलते हुए, गैलोपिंग का मतलब होता है टू वॉक फास्ट, तेज चलते हुए, एन मास का मतलब बिल्कुल एक सीधी लाइन में, व्हीलिंग मुड़ते हुए एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, बिल्कुल टाइट फॉर्मेशन में यानी एक जैसी आकृति के अंदर, जैसे कोई ड्रिल प्रैक्टिस होती है उस तरह से चलते हुए, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनोवर्स, जैसे कोई वो सेना की कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी ड्रिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, पहले से किसी फिक्स रास्ते पर। प्लम्स ऑफ डस्ट यानी धूल के जो गुब्बारे थे, बिलोड इन टू द क्रिस्प क्लीन एयर, वो पूरी हवा के अंदर वेव की तरह फैल गए। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस, अब वापस से पहाड़ियां शुरू हो गई थी, अब वो पहले प्लेन में थे, अब वापस से पहाड़ियां शुरू हो गई थी। वी पास्ड द सॉलिटरी ड्रॉकबाज, हमारे आसपास में कई अकेले अकेले एक या दो ड्रॉकबाज यानी जो शेफर्ड्स थे वो गुजर रहे थे, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, वो अपने झुंड को चरा रहे थे, समटाइम्स मैन कभी आदमी होते, समटाइम्स वेमेन कभी औरतें होती। दीज वेल रैप्ड फिगर्स, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ढके हुए जो व्यक्ति थे, वुड पॉज, थोड़ा रुकते एंड स्टेयर एट आर कार, और हमारी कार की तरफ घूर कर देखते, ओकेजनली वेविंग, और कभी हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाते, एज वी पास्ड, जैसे ही हम वहां से गुजरते। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, और जब ये रास्ता हमें उनके एनिमल्स के पास में लेकर जाता, द शीप वुड टेक इवेजिव एक्शन, तो ये जो भेड़े थी ये इवेजिव एक्शन लेती, इवेजिव एक्शन लेने का मतलब है अपनी बचाव में एक्शन लेती, दूर भाग कर जाती, वेयरिंग अवे, हमसे दूर जाते हुए, फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, स्पीडिंग व्हीकल से दूर भाग जाती। वी पास्ड नोमेड्स डार्क टेंट्स, और फिर हम जो है नोमेड्स कहते हैं जिप्सीज को, यानी जो बंजारे लोग होते हैं, आवारा घूमते रहते हैं, उनके डार्क टेंट्स जो है वहां लगे हुए थे, पिच्ड यानी लगे हुए थे, इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, दूर कहीं अलोननेस में, बिल्कुल अलोननेस में, और यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, इनके पास में बड़े बड़े काले कुत्ते थे, अ टिबेटन मैस्टीफ जिसका नाम था स्टैंडिंग गार्ड, ये बिल्कुल गार्ड की तरह स्टैंड करता था, एकदम शानदार डॉग था ये। दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, तो ये जानवर जैसे ही हमारी अप्रोच के प्रति अवेयर हुए कि हम वहां पहुंचे हैं, कोई अनजान आदमी वो पहुंचा है, उन्होंने फटाफट अपने बड़े बड़े सिर बाहर निकाल लिए, एंड फिक्स अस इन देयर साइट्स, और हमें अपनी नजरों के अंदर फिक्स कर लिया। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसे जैसे हम पास आते गए, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, वे अचानक से हमारे पर हमला करने लगे, मतलब एक्शन में आ गए, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, और हमारी तरफ तेज भाग कर आने लगे, लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन, जैसे गन से बुलेट निकलती है, नियरली एज फास्ट, लगभग उतना ही तेज। दीज शैगी मॉन्स्टर्स, शैगी कहते हैं बालों से भरे, जबरे जिसको बोलते हैं, ये जबरे जो मॉन्स्टर्स, ये इन डॉग्स के लिए रेफर किया गया, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, ये अंधेरी रात से भी गहरे काले थे, यूजुअली वॉर ब्राइट रेड कॉलर्स, और अधिकतर रेड कॉलर्स पहनते थे, एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, और इनके जबड़े जो हुआ करते थे, बहुत विशाल जबड़े हुआ करते थे, और ये हम पर गुस्से से भौंक रहे थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, उन्हें हमारे व्हीकल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, शूटिंग स्ट्रेट इन टू आवर पाथ, बिल्कुल हमारे रास्ते में आ जाते, कॉजिंग सैटन टू ब्रेक एंड स्वर्व, इसके कारण सैटन को ब्रेक लगाने पड़ती और गाड़ी को घुमाना पड़ता। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 meters, ये जो डॉग थे ये 100 meters तक हमारा पीछा करते, एंड सो बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और हमें अपनी प्रॉपर्टी से दूर जाते हुए यानी अपने एरिए से दूर जाते हुए देख कर ही ये अपने आप को ईज करते यानी रुक जाते। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और ये समझना मुश्किल नहीं था, वाई फिरोशियस टिबेटन मैस्टिव्स, कि क्यों ये खुखार टिबेटन मैस्टिव्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स, कि ये चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में क्यों हंटिंग डॉग्स के रूप में फेमस थे, ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और ये सिल्क रोड के बिल्कुल पास पास में रहते थे, और ये तिब्बत की तरफ से एक ट्रिब्यूट था।
By now, we could see snow-capped mountains. अब तक हमें दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, गैदरिंग ऑन द होराइजन, होराइजन की तरफ क्षितिज में. वी एंटर्ड ए वैली, हमने एक घाटी में प्रवेश किया. वेयर द रिवर वॉज वाइड, जहां नदी थोड़ी सी चौड़ी थी. एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और जगह जगह वहां बर्फ जमी हुई थी. ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, बिल्कुल सफेद कलर की बर्फ थी और सनशाइन के अंदर चमक रही थी. द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और जो रास्ता था वो इसके बिल्कुल नदी के किनारों को चूमते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था. ट्विस्टिंग विद द मीएंडर्स, ट्विस्टिंग विद द मीएंडर्स यानी जिसमें रास्ते में टेढ़े मेढ़े जो रास्ते थे उनके साथ में ट्विस्ट हो रहे थे. एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट, जैसे जैसे हम आगे चल रहे थे. एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और जो वैली की साइड्स हैं वो लगातार बंद होती जा रही थी. द टर्न्स बिकेम शार्पर, अब टर्न्स और शार्प हो रहे थे. एंड द राइड बम्पियर, और जो गाड़ी चलाना और बम्पियर हो रहा था. बम्पियर का मतलब बार बार धचके लग रहे थे. सैटर्न नाउ इन थर्ड गियर, सैटर्न अब थर्ड गियर में था. एज वी कंटिन्यूड टू क्लाइंब, लगातार हम चढ़ते रहे. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, अब ये रास्ता जो है उस रिवर से आगे की तरफ जा रहा था. लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लॉप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉब्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचन, और इसको लिचन और लाइकन दोनों ही बोलते हैं. तो ये ट्रैक जो है अब आईसी रिवर से दूर जा रहा था, और स्टीपर स्लॉप्स यानी जो सीधे बिल्कुल सीधे ढलान की तरफ जा रहा था. बिग रॉक्स आसपास में दिखाई दे रहे थे, और उनके बीच बीच में ब्राइट ऑरेंज लाइकन, यानी ब्राइट ऑरेंज लाइकन मतलब एक पेड़ होता है, एक प्लांट होता है जो रॉक्स पर उगता है. बीनीथ द रॉक्स, चट्टानों के नीचे, हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इट नियर परमानेंट शेड, जो बर्फ थी बर्फ के हंक्स लटके हुए थे. I felt the pressure building up in my ears. मुझे अपने कानों में प्रेशर बनते हुए दिख रहा था. प्रेशर बनने का मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो एकदम कानों पर दबाव पड़ता है. Held my nose, मैंने अपने नाक को पकड़ा. Snorted, थोड़ा सा नाक को साफ किया. We struggled round another tight bend, और फिर एक और टाइट बैंड आया. बैंड का मतलब रास्ते का बैंड, यानी एकदम घुमाव आया. And Saturn stopped, और Saturn रुक गया. He had opened his door, उसने अपना दरवाजा खोला. And jumped out of his seat, और अपनी सीट से बाहर जंप करते हुए बाहर आ गया. बिफोर आई रियलाइज्ड, इससे पहले कि मुझे कुछ समझ में आता कि क्या चल रहा था. स्नो, उसने कहा ये बर्फ है, डैनियल ने ऐसा कहा. एंड एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, और वो भी व्हीकल से बाहर निकल गया. लेटिंग इन ए ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर, ताकि एज ही डिड सो, जैसे उसने ऐसा किया तो अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आया. तो ये सैटर्न जो है मेन ड्राइवर है, और डैनियल जो है इसके साथ में असिस्टेंट ड्राइवर है. आगे देखिए, अ स्वाद ऑफ द वाइट स्टफ. अगर आपको ये जो लेसन है, इस लेसन की अगर समरी आपको देखनी है, अगर इस पूरी लेसन की, तो इस समरी के लिए भी एक लिंक है जो आप ऊपर की तरफ आई बटन में देख सकते हैं. वहां से आप इस लेसन की समरी भी देख सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. अ स्वाद ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस, यानी एक वाइट स्टफ यानी सफेद ये बर्फ जो थी इसका ढेर था. ले अक्रॉस द ट्रैक, ट्रैक के चारों तरफ पड़ा हुआ था. इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर्स तक फैला हुआ. बिफोर इट पैटर्ड आउट, और दूर दूर तक ये इससे गायब होने से पहले 15 मीटर्स तक फैला हुआ था. एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और उसके बाद में मिट्टी की जो ट्रेल थी यानी मिट्टी का रास्ता वो रीअपियर था, यानी 15 मीटर्स तक दूर तक ये आपकी बर्फ ही दिखाई दे रही थी. द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, और हमारे दोनों में से एक तरफ लगातार स्नो चल रही थी. समथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप स्लाइड, और अपस्लोप स्लाइड में एक एब्रप्ट बैंक की तरफ बर्फ कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही थी. स्मूदिंग कर रही थी, स्मूदिंग का मतलब उस रास्ते को उसने चिकना बना रखा था, फिसलन भरा. द बैंक वॉज टू स्टीप, और इस रोड का जो किनारा था बहुत ज्यादा स्टीप था, और हमारा व्हीकल उसको स्केल नहीं कर सकता था, हमारा व्हीकल उसका अंदाजा नहीं लगा सकता था कि रोड कहाँ तक फैला हुआ है. सो देर वॉज नो वे राउंड द स्नो पेच, इसलिए हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था इस स्नो पैच से निकलने का. आई जॉइंड डैनियल, मैं भी जो डैनियल के साथ में शामिल हो गया. एज सैटर्न स्टेप्ड ऑनटू द एनक्रस्टेड स्नो, और सैटर्न ने क्या किया, उस बर्फ के ऊपर थोड़ा चलकर देखा. बिगेन टू स्लाइडर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, थोड़ा उसको स्लिदर और स्लाइड का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप को लुढ़का, उसको बर्फ को बर्फ के ऊपर चलकर देखा. स्टम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और लगातार अपने फुट को उसके ऊपर स्टम्प करके देखा. टू एसर्टेन, ये पता लगाने के लिए कि हाउ स्टडी इट वॉज, कि ये कितनी कठोर थी. आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपने रिस्ट वॉच की तरफ देखा.
वी वर एट 5,210 मीटर्स अबव सी लेवल, हम सी लेवल से लगभग 5,220 मीटर ऊपर थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, ये जो बर्फ थी ये इतनी गहरी मुझे नहीं दिखाई दे रही थी, बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, लेकिन डेनियल का कहना था कि इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है वो डेंजर नहीं है, सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, बल्कि इसका जो आईसी टॉप लेयर है ये ज्यादा खतरनाक है। इफ वी स्लिप ऑफ, अगर हम यहाँ से गिरे, द कार कुड टर्न ओवर, तो यहाँ से कार फिसल के नीचे ऊपर टर्न ओवर भी कर सकती है, यानी पलट भी सकती है। ही सजेस्टेड, उसने ऐसा सुझाव दिया। एज वी सा सैटर्न ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट, हमने देखा कि सैटर्न जो था वो अपने हाथ में मिट्टी लिए हुए था, एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, वो फ्रोजन सरफेस की तरफ यानी जमी हुई बर्फ की जो परत थी उसकी तरफ मिट्टी को फेंक रहा था। ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से जो मिट्टी की उसकी बर्फ की जो फिसलन है वो खत्म हो जाएगी और जो गाड़ी का जो पकड़ है उस टॉप के ऊपर वो ज्यादा हो जाएगी। वी बोथ पिच्ड इन, हम भी इसमें शामिल हो गए, इसी मुहिम में हमने भी यही काम करना शुरू कर दिया। एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जब बर्फ पूरी तरह से सॉइल से ढक गई, डेनियल एंड आई स्टेड आउट द व्हीकल टू लाइटन सैटर्न्स लोड, डेनियल और मैं सैटर्न के वजन को कम करने के लिए व्हीकल के बाहर ही रुक गए। ही बैक्ड अप एंड ड्रूव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, उसने गाड़ी को थोड़ा पीछे किया और फिर डर्टी स्नो की तरफ यानी उस गंदी बर्फ की तरफ गाड़ी को ड्राइव कर दिया। ईज द कार ऑन टू इट्स आईसी सरफेस, और आईसी सरफेस के ऊपर बिल्कुल बर्फ के ऊपर आकर उसने कार को थोड़ा धीमे किया। एंड स्लोली ड्रूव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी, और बिना किसी परेशानी के फिर कार को आगे बढ़ा दिया। 10 minutes later, 10 मिनट के बाद में वी stopped एट अनदर ब्लॉकेज, दूसरा ब्लॉकेज सामने आ गया, नॉट गुड, दूसरा ब्लॉकेज का मतलब एक और बर्फ का टुकड़ा, उसने कहा ये अच्छी बात नहीं है। सैटर्न अनाउंस्ड एज ही जंप्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, सैटर्न नीचे उतरा और उसने सीन को वापस से देखा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव अराउंड द स्नो, इस बार उसने कहा, उसने ये डिसाइड किया कि वो बर्फ के ऊपर से नहीं चलकर बर्फ के बिल्कुल कॉर्नर से गाड़ी को निकाल कर ले जाएगा। ये खतरनाक भी हो सकता था, द स्लोप वाज स्टीप, क्योंकि स्लोप जो था वो बिल्कुल सीधा था एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, और आसपास में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बट समहाउ सैटर्न नेगोशिएटेड देम, सैटर्न ने कैसे ना कैसे करके वहां से निकाल लिया। हिज फोर व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट, और उसका जो फोर व्हील ड्राइविंग जो थी वो एक ऑब्स्टेकल से, एक बाधा से क्रॉस करता हुआ दूसरी बाधा को क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया। इन सो डूइंग, ऐसा करते हुए ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, उसने एक हेयर पिन बैंड को भी क्रॉस किया, हेयर पिन बैंड का मतलब बहुत शार्प टर्न था। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और तुरंत ही उस रास्ते पर पहुंच गया जहां स्नो अभी तक नहीं गिरी थी। आई चेक्ड माई वॉच अगेन, मैंने वापस अपनी वॉच को चेक किया। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन, और हम लगातार ब्राइट सनशाइन में आगे बढ़ते रहे। We crept past 5,400 meters. हम लगभग 5,400 मीटर चल चुके थे, and my head began to throb horribly. और मेरा जो सिर था वो बड़ी horrible तरीके से throb करने लगे। throb करने का मतलब pump, उसमें खून का जो प्रवाह है वो बढ़ गया था और सिर में दर्द होने लग गया था। I took gulps from my water bottle. मैंने मेरी water bottle से थोड़े पानी के घूंट लिए, which is supposed to help a rapid ascent. जो आपको तेज चढ़ाई में हेल्प करती है। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 मीटर्स, फाइनली हम 5,515 मीटर पर पहुंच गए थे। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज केयर्न ऑफ रॉक्स, बड़ा सा एक चट्टान का झुंड वहां खड़ा था। फीस्टूंड विथ वाइट सिल्क स्कार्व्स, जहां पर बंधे हुए थे एक ही लाइन के अंदर, डेकोरेटिव लाइन के अंदर सफेद रंग के सिल्क स्कार्फ बंधे हुए थे, रैगेड प्रेयर फ्लैग्स और फटे फटे प्रेयर के फ्लैग्स भी बंधे हुए थे। ये कोई धार्मिक स्थल था। वी ऑल टुक ए टर्न अराउंड द केयर्न, हमने इस चट्टान के चारों तरफ एक परिक्रमा की इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज इज द ट्रेडिशन, जैसी परंपरा है। एंड सैटर्न चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और सैटर्न ने अपने व्हीकल के टायर्स को चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वो पेट्रोल टैंक के पास रुका एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, और उसके टॉप को उसने थोड़ा सा अनस्क्रू यानी खोल कर देखा। विच एमिटेड ए लाउड हिस, जिसमें से एक तेज हिसिंग साउंड आई यानी हवा निकलने की आवाज आई। द लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड,
जो नीचे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो फ्यूल को भी एक्सपेंड करने में एक्सपेंड कर रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और ये मुझे बड़ा खतरनाक लगा। सेटन हंसा और उसने कहा, बिल्कुल सर, ये खतरनाक हो सकता है, बट नो स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, माई हेडक सून क्लियर्ड, मेरा जो सिर का दर्द था वो बिल्कुल सही हो गया। एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, जैसे ही हम एक दूसरे माउंटेन पास से नीचे की तरफ उतरे। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम, उस समय तक 2 बज चुके थे। वी स्टॉप्ड फॉर लंच, हमने लंच किया। वी एट हॉट नूडल्स, हमने हॉट नूडल्स खाए। इन साइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, एक लंबे कैनवास टेंट के पास में। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप, जो कि एक वर्क कैंप का ही पार्ट था। इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक, जो एक सूखी हुई नमक की झील जो थी उसके पास में लगाया गया था। द प्लाटू इज पॉक मार्क्ड विद साल्ट फ्लैट्स, ये जो प्लाटू था यानी पर्वत का जो उठा हुआ चेहरा था, उठा हुआ हिस्सा था, इसके अंदर साल्ट फ्लैट्स थे यानी नमक के मैदान थे। ब्रैकिश लेक्स और नमक की झीलें थी। वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशन, ऐसा कहा जाता है कि ये टेथिस ओशन के बचे हुए हिस्से हैं। विच बॉर्डर तिब्बत, जो कि तिब्बत के आसपास बसा हुआ था। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कलीजन, जब इससे पहले कि जो बड़ा महाद्वीपों का आपस में टकराव हुआ था उसके कारण ये हिस्सा हिमालय वाला ऊपर उठ गया था। कहते हैं कि यहाँ पहले टैथिस सागर हुआ करता था, फिर माउंटेन्स का कलीजन हुआ, जमीन में आपस में नीचे में कलीजन होने के कारण ये वाला हिस्सा, हिमालय वाला हिस्सा ऊपर उठ गया था। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मैन विद पिकेक्स और शॉवल्स, ये पिकेक्स और शॉवल्स, पिकेक्स मतलब भाई एक ऐसी एक्स होती है जो बर्फ के अंदर रास्ता बनाने में, बर्फ को खोदने के काम आती है। शॉवल्स फावड़े को कहते हैं। और ये व्यक्ति जो वर्कमैन थे इसमें लगे हुए थे। अपने शीप स्किन कोट्स उसने पहने हुए थे। साल्ट एनक्रस्टेड बूट्स थे, उनके बूट्स जो थे वो नमक के अंदर धसे हुए थे। ऑल वॉर सन ग्लासेस, सबने सन ग्लासेस पहने हुए थे अगेंस्ट द ग्लेयर, क्योंकि वो जो चमक रिफ्लेक्ट होके आ रही थी बर्फ से रिफ्लेक्ट होने वाली चमक उनकी आंखों में पड़ती थी सन की, इसलिए उसके उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सन ग्लासेस पहने हुए थे। अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, और लगातार ब्लू ट्रक्स इमर्ज हो रहे थे वहां से। व्हाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ साल्ट, और उनमें नमक के ढेर भरे हुए थे। बाय लेट आफ्टरनून, और लेट आफ्टरनून तक वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ थोर, होर, हम होर पहुंच चुके थे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, और वापस से हम मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पर पहुंच चुके थे जो लहासा से कश्मीर की तरफ जाता है। तो अभी तक आपने देखा क्योंकि ये शॉर्टकट से आ रहे थे इसलिए अब जाकर मेन हाईवे पर पहुंचे हैं। डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लहासा, डैनियल जो कि लहासा की तरफ रिटर्न हो रहा था, फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, उसको एक राइड मिल गई ट्रक में, यानी एक ट्रक में लिफ्ट मिल गई। सो सैटन एंड आई बैड हिम फेयरवेल, इसलिए सैटन और मैंने उसे फेयरवेल यानी बाय बाय कह दिया। एक टायर रिपेयर शॉप के पास में वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन, और हमारी गाड़ी में 2 पंक्चर हो गए थे एक के बाद एक। ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक से तरफ यात्रा करते हुए। एंड सटन वाज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और सटन को बहुत जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी इन पंक्चर को फिक्स करवा लिया जाए, इनकी रिपेयरिंग करवा लिया जाए। सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर, क्योंकि उनके पास में स्पेयर टायर नहीं थे। बिसाइड्स इसके अलावा द सेकेंड टायर, जो सेकेंड टायर था ही हैड चेंज, जो उसने चेंज किया था, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, और उसको जिससे रिप्लेस किया था दैट वाज एज स्मूथ एज माय बाल्ड हेड, वो बिल्कुल मेरे बाल्ड हेड यानी गंजे सिर की तरह स्मूथ था, यानी उसमें कोई, तो ये स्मूथ टायर का मतलब उसमें जो है ग्रिप नहीं बन पाएगी जमीन से, इसलिए इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इस टायर को रिप्लेस करना चाहता था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, ये इस सिल्क रोड का पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू अगेन।